नॉर्मली वाइफ जो होती है हस्बैंड के सामने अच्छी एक्टिंग कर लेती है. अच्छा. लेकिन कभी भूषण जी सेट पे आते हैं तो आप उनके सामने कंफर्टेबल रहती हैं, उनको बोलते हैं कि आप जाइए मैं अपना सीन कर रही हूँ? नहीं, सेट पे जनरली आते नहीं है, पर आए थे SMJ की शूटिंग के ड्यूरिंग 2-3 दिन के लिए, तो आई वाज ओके, आई वाज कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं था. इनफैक्ट अब हम रोमांटिक सॉन्ग शूट कर रहे थे. दिव्या जी बोल रही थी कि आप हमेशा पैसों वैसों की बात करते रहते हो. मैं कहा हम वही बात करेंगे जो हमारे पास नहीं है, जो आपके पास है. भाई लेकिन जो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बोलते हैं ना कि एक आध दिन चीट भी कर लेना चाहिए. आप चीट मील खाते हैं फिर? नहीं, चीट मील एक आध दिन होता है सबका. मैं ज़्यादातर नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा एक स्केड्यूल्ड प्लान होता है, तो उस हिसाब से मैं चलता हूँ. जिसको मैक्रोज बुलाते हैं, मतलब इतने सारे कैलोरीज मुझे लेने हैं दिन के अंदर, जिसमें इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना कार्ब्स, इतना फैट, उसको मैं क्रॉस नहीं करता हूँ. ओके. मैं अपने आप को चेक में रखता हूँ. आपको तो अभी खुद ही इतनी नॉलेज हो गई होगी ना कि मैं इतनी चीज लूंगा, इतनी. एग्जैक्टली. हर चीज मैं वजन करके खाता हूँ. ओके. घर के अंदर तभी आपका वजन कंट्रोल में. जॉन, वेजिटेरियन से आप वीगन होने जा रहे हैं या ऑलरेडी वीगन? जी मैं वीगन नहीं हूँ, लेकिन होने जा रहा हूँ मैं. सेम हियर. डेफिनेटली. I'm on my way to become वीगन का मतलब ये होता है कि आदमी जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाता है. दूध, दही, अंडा, ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. पूरा दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रहा है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ. तो मैं यहाँ एडवर्टाइजिंग करने के लिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हो तो प्लांट बेस्ड चीजें खाइए. व्हाट इज योर वीकनेस? मतलब क्या कि इसको देखकर मन लल जाता है बहुत? वीकनेस तो खाने में किसी चीज की वीकनेस नहीं है. लोग एक्चुअली मजाक करते कि मेरे जो टेस्ट बड्स है वो है ही नहीं. हाँ? मुझे ये नहीं लगता कि अगर मैं बर्फी देखूं या ये देखूं कि यार मुझे नहीं. ओ गॉश. तो वेज में क्या खाते भाई आप? क्या क्या ऑप्शन होती है? बहुत सारे ऑप्शन, सब कुछ. पालक, मेथी, सोय चंक्स. अच्छा. सोया, बाजरा, ज्वार, नाचनी रोटी मैं हर रोज खाता हूँ. ब्राउन राइस, दाल, राजमा, बाजरा, ज्वार और काला चना, सब कुछ. बाजरा, ज्वार, नाचनी मिक्स करके मैं रोटीज खाता हूँ. वो ब्रेक डाउन बहुत इजीली होता है. मुझे पता है कपिल शर्मा शो है, सब लोग हंसना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप डाइट सही रखें, हर दूसरे दिन में वर्कआउट करो, अपने आप को फिट रखो. आप वेजिटेरियन है, ऐसी कौन सी चीजें खाती हैं? आपको इंटरेस्ट का है डाइट में? आप टॉपिक तो दूसरा निकाल लेते हैं. फिर भी आप मतलब क्या खाती हैं? क्या खाती हैं आप? पैसे कितने हैं आपके पास? हम लोग ना सब एक ही जगह से हम लोग स्ट्रगल करके आए हैं, तो हमारा वहां से ध्यान ही नहीं हट रहा. अर्चना जी का एक सवाल था, कहती जॉन के घर पे तो प्रोटीन के डिब्बे बहुत होंगे, तो जो खाली हो जाते हैं उसमें मिट्टी डाल के मनी प्लांट लगाते हो आप? उसको खोल के उसके अंदर वो बाजरा, ज्वार, नाचनी, सारे आटा का वो, क्योंकि वो एयर टाइट बहुत अच्छा होता है. अच्छा, एक बात दिव्या जी से आपसे पूछनी थी. इट्स अ कैशलेस क्वेश्चन. जैसे आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो खुद जब आप एक्टिंग कर रही हैं तो डायरेक्टर कभी कभी हिचकिचाता है, तरीके से बोलता है कि अच्छा टेक है लेकिन सेफ्टी से एक और लेते हैं. तो जब ऐसा कभी मिलाप बोलते थे कि एक टेक और लेते हैं, तो आप चुपचाप मान जाती थी कि आप बोलती थी नहीं हो चुका है ये, अच्छा है यही रखो, शिफ्ट बढ़ रही है? तो आप ध्यान रखती हैं? I think ये question मिलाप को answer करना चाहिए. मिलाप, कपिल भैया मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि जब जब मैंने दिव्या के 99% फर्स्ट टेक ओके किए हैं. अच्छा. और दिव्या कहती नहीं मिलाप मैं और करना चाहती हूँ, ये वो प्रोड्यूसर है जो पैसे बर्बाद करना चाहती है. ये 50 टेक और देगी और हमेशा फर्स्ट टेक बेस्ट होगा. क्या बात. जॉन मुझे कहता है कि मिलाप मैं कैसे टायर फाड़ सकता हूँ. जॉन तुझे देख के टायर की खुद फट जाती है, टायर अपने आप फट जाता है. मतलब ये डोले देख के आप आराम से फाड़ सकते हो. दिव्या जी, आज हम आपको एक ऐसा टास्क देने जा रहे हैं जो शायद आप लाइफ में कभी नहीं करेंगी. नॉर्मली घरों में होता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना दादा दादियाँ हमारे पजामे में नाड़ा डाल दो. हाँ, तो बस वही है. हाँ, डाल सकते हो. हैं? कहाँ? अभी दिखाओ जरा. पेन, एक पेन दे दो. पेन, पेन से ऐसे कैसे डालेगा? पेन या पेन से कुछ देना पड़ेगा ना. ये हमारा आज का क्रिएटिव है. आई डोंट, आई एम ट्राइंग. Don't tell me, कभी ऐसे किया नहीं. किया होगा ना? बचपन में किया है. आजकल आते नहीं ना नाड़े पे, जामों में कहाँ आते हैं? इलास्टिक वाले आते हैं. आज इलास्टिक वाले आते हैं.
इन्होंने ना जान के इतना छोटा वो बनाया कि कुछ भी ना अंदर जाए और मैं फेल हो जाऊं। ये मैं हमारी जो गृहणियां इनका एक्चुअली ये सब लोग बोलते हैं, कहते दिव्या जी तो फिल्में बनाती हैं, फिल्मों में काम करती हैं, ऐसे काम क्या उनको आते हैं। मैंने कहा लाइव करवा के देख लेते हैं। आपने बोला था ना मैडम कपिल तू ट्राई कर, तेरे से होता है। आप ही कर दो। हाँ ट्राई कर। मैं बता दिखाना। वाकई यार ये एक्चुअली ये बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा कर। सेफ्टी पिन की बात नहीं है, जहाँ पे नाड़ा डालना है वहाँ जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। ये देखो मैं आपको पूरा मैं तैयार कर देता हूँ, उसके बाद आप ये रखो। आप You know, I'm just looking at you guys on stage very seriously. आप लोग किस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं? एक पजामे में नाड़ा डालने की कोशिश कर रही है पूरी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क होता है, सही से। ये बहुत बड़ी स्किल है। नाड़ा ना डला हो, सही से बंदा ना हो, तो बंदे की इज्जत में बनाती है। आप कह रही हैं? अब मैं कर लूंगी। थैंक यू। अभी भूषण जी का फोन आया, ये क्या क्रिएटिव था तुम लोगों का? मेरी बीवी से पंजाबी में नारा डलवा रहे थे। पर सो स्वीट, दिव्या जैसी ग्लैमरस लड़की पजामे में नारा डाल रही है। ये अपने आप में विजुअल हे महापुरुष, ये आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला दृश्य है। ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ बीच में स्टिच किया है ताकि आगे जाए ना। ये इन्होंने ना झोल किया हुआ है, ये देखो। No really, it's stitched. दिखाइए। देखो ना इन्होंने यहाँ इन्होंने जान के किए ताकि मैं कर ना पाऊँ। आप हमारे रिलेशन खराब करा रहे हैं टीसी। कपिल चंदू बिना पजामे के खड़ा है, मेरा पजामा दे दो मुझे नारा डाल के।